गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेरी गुड एंड स्टेइंग एट होम. यू आर कीपिंग योर हेल्थ इन अ प्रॉपर वे. ऑल्सो यू आर गोइंग थ्रू दी वीडियोज़ एंड स्टडींग दी वीडियोज़ एंड ऑल्सो यू आर डूइंग योर होमवर्क ऑन टाइम. नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू कम्प्लीट योर वर्क ऑन टाइम सो दैट इट वॉन्ट बी अ बर्डन फॉर यू इन द लेटर डेज टू कम. सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोज़ एंड स्टडी वेल, रीड द थिंग्स एंड प्रिपेयर योर सेल्फ सो दैट when once the school starts it will not be a burden for you. ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने पिछले दिन के जो वीडियोज़ थे वो प्रॉपरली आपने देखे हैं और आपको समझ में आ गया होगा. कल तक हमने फोर पैराग्राफ, इस चैप्टर का फोर पैराग्राफ जो है हमने देखा. हम पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में और हमने देखा कि कैसे वो कहाँ से वो आए हैं, बिहार दुमरौन से लेके उनके आगे तक की लाइफ हमने देखी कि कैसे वो एक इंडियन ऐसे बने जिन्होंने भारत का या इंडिया का सबसे अच्छा अवार्ड, सबसे लास्ट अवार्ड द भारत रत्न तक को सम्मानित किया गया. कैसे एक छोटे से जगह से वो कहाँ तक पहुँचे, कैसे उन्होंने इंडिया का नाम आगे रोशन किया और कैसे एक इंस्ट्रूमेंट को, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. तो वी विल स्टार्ट विद द सेम चैप्टर, पैराग्राफ नंबर 5, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वही हम पढ़ेंगे. क्या कहता है? द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Banaras where Bakhsh was employed to play the shehnai. Ali Bakhsh would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangalamaya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunt where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the shehnai. The young boy took to music early in life. बिस्मिल्लाह खान जी ने बचपन में ही, जब वो छोटे से थे तभी उसी में बचपन में ही म्यूज़िक को जो है अपने लाइफ में चुन लिया था. नाउ एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू मैटरनल हाउस अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शहनाई. जब उनकी मॉम, उनकी मदर जो है, उनकी मम्मी जो है, उनको मैटरनल अंकल यानी उनके मम्मी के घर पे लेके जाती थी और वहाँ पे जो अब वो अपने अंकल्स को शहनाई बजाते, जो कि कहाँ पर था, बनारस जो कि अभी का वाराणसी है, वहाँ पे शहनाई बजाते हुए जब वो देखता था तो वो बिस्मिल्लाह खान जी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो जाते थे. मतलब वो देख के बहुत ही फैसिनेट हो जाते थे, वो देखते रहते थे उनको, है ना, एक तरीके से कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट उनको आने लगा. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले दी शहनाई. और धीरे धीरे करके बिस्मिल्लाह खान जी क्या है कि अपने अंकल अली बख्श जो हैं उनके साथ विष्णु टेम्पल जाने लगे, उनके अंकल के साथ, जहाँ पे अली बख्श जो कि उनके अंकल थे वहाँ पे वो क्या करते थे, विष्णु टेम्पल में उनको शहनाई बजाने का काम था, तो वो वहाँ पे उनके साथ जाने लगे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. अली बख्श जब वहाँ पे बैठ के शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खान जी वहाँ पे घंटों तक उनको देख के वहाँ बैठे रहते थे, बस ऐसे वहाँ बैठ के देखते रहते थे सिर्फ उनको शहनाई बजाते हुए. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. धीरे धीरे करके उनके अंकल क्या है, बिस्मिल्लाह खान जी को भी लेसन्स देने लगे यानी सिखाने लगे, उनको भी शहनाई सिखाने लगे और वो क्या करते थे, वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करते थे पूरे दिन, दिन भर वहाँ बैठ के वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते थे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. और सालों तक बालाजी, टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल यानी दो टेम्पल हैं, और बैंक्स ऑफ गंगा, ये जो तीन जगह है, ये तीनों जगह क्या होगी, सालों तक बिस्मिल्लाह खान के लिए एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे वो अकेले बैठ के सॉलिट्यूड यानी अकेले बैठ के वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे.
The flowing water of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई. और वहाँ पे जब वो पानी बहता था, यानी गंगा रिवर का जो पानी बहता, तो वो पानी जो क्या है, वो बहने वाला पानी उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था, और वहाँ बैठ के उन्होंने शहनाई में कुछ नए रागास जो है वो इन्वेंट किए, इम्प्रोवाइज़ किया, कुछ नई चीज़ें उसमें ढूंढने की कोशिश करी, उसको इम्प्रोवाइज़ करने लगे, नई चीज़ें ढूंढे उन्होंने, और ऐसे रागास, ऐसे राग उन्होंने ढूंढा जो कि पहले माना जाता था कि शहनाई में ये मुमकिन ही नहीं है, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा माना जाता था. तो उन नए नए राग्स को डिस्कवरी करना, इन्वेंट करना, ये वहाँ पे बैठ के उन्होंने किया. एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब वो 14 years old थे, जब वो 14 साल के थे, तो Bismillah Khan अपने अंकल के साथ कहाँ गए? Allahabad Music Conference में गए. At the end of the recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy बॉयज बैक एंड सेट वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. मतलब वो उनके अंकल के साथ शहनाई बजाने जाते थे, तो वो जब उस शहनाई बजाने गए, तो जब उसके बाद प्रोग्राम के बाद वहाँ पे भी एक उस्ताद थे, जो मास्टर थे उस्ताद फयाज खान, उन्होंने क्या किया, बिस्मिल्ला खान जी के पीठ को थपथपा के बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. मतलब वर्क हार्ड करो, हार्ड वर्क करो और तुम सक्सेस ज़रूर होंगे. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. Now he soon became an often heard Shehnai player on radio. जब 1938 में All India Radio जो है लखनऊ में खुला, तो बिस्मिल्ला खान जी को फर्स्ट ब्रेक यानी बिग ब्रेक उनको वहाँ पर परफॉर्म करने का मौका मिला, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो ऑफनली यानी बार बार उस All India Radio में उनको मौका मिलने लगा और वो वहाँ पर परफॉर्मेंस देने लगे. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gives his famous Tries with Destiny speech. Kya hua wahan pe? When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15th August 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने जो कि जिन्होंने पूरे भारत को क्या किया, अपने शहनाई से ग्रीटिंग्स दी. मतलब उन सबको ग्रीटिंग्स दी उन्होंने वहाँ पे. कहाँ से दी उन्होंने? He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience. उन्होंने क्या किया, Red Fort से जब पहली बार ऐसा हुआ, तो Red Fort से उन्होंने सबसे पहले राग काफ़ी जो है उन्होंने शहनाई में बजाया, और सब लोगों को क्या है वहाँ पर ग्रीटिंग्स दी. मतलब उन्होंने मुबारकबाद दी कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है. और उस समय वहाँ पर ऑडियंस में कौन कौन था, विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू. और उस समय वहाँ पे महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी वहाँ पे मौजूद थे, हु लेटर गेव हिज फेमस थ्राइस विद डेस्टिनी स्पीच. फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ पे स्पीच दिया जो कि थ्राइस विद डेस्टिनी अभी भी बहुत ही फेमस स्पीच माना जाता है उस समय का. फिर क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर King Zahir Shah was so taken by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan's music. Film director Vijay Bhatt also was so impressed after his hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. The film was a hit. And one of Bismillah Khan's composition, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in the film music were limited to two.
विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपना आई जस्ट कांट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमरस ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद एम्फेसिस. क्या हुआ उसके बाद, बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्ला खान जी ने बहुत सारे परफॉर्मेंस इंडिया में और बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल, मतलब मेमोरेबल बहुत सारे परफॉर्मेंस उन्होंने दिए. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन बाई अदर बाई द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोविनर्स. उनका सबसे पहला फॉरेन ट्रिप या अब्रॉड ट्रिप कहाँ पे था, अफगानिस्तान में था, जहाँ पे किंग जाहिर शाह जो थे इतने खुश हुए बिस्मिल्लाह खान जी के परफॉर्मेंस से कि उन्होंने उनको कई पर्शियन कारपेट्स, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोविनर्स, यानी कई पर्शियन कारपेट जिनका आप मूल्य या जिनका हम पता नहीं लगा सकते वो कितने के होंगे, या प्राइसलेस जिनकी कोई कीमत नहीं है, और सोविनियर्स, सोविनियर्स भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनकी कीमत नहीं है, वो ऐसी चीज़ें उनको गिफ्ट के तौर में वहाँ पे दी. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला खान म्यूज़िक. सिर्फ किंग ही नहीं थे जो कि बिस्मिल्ला जी की जो म्यूज़िक था उससे फैसिनेट हुए या प्रभावित हुए. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट अ फेस्टिवल दैट नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. जो फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट हैं उन्होंने इनका म्यूज़िक कहाँ पे सुना, एक फिल्म फेस्टिवल में सुना, और वहाँ पे सुन के वो इतने खुश हुए, फैसिनेट हुए, इंटरेस्टेड हुए कि उन्होंने अपनी एक मूवी का नाम क्या रखा, गूंज उठी शहनाई, उनके इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ गूंज उठी शहनाई रखा. द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्ला खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्ट बस्टर. जो फिल्म थी वो बहुत ज़्यादा हिट हुई और बिस्मिल्ला खान जी का एक लिखा हुआ गाना, यानी एक बनाया हुआ गाना जो दिल का खिलौना है टूट गया, वो गाना भी बहुत ज़्यादा पूरे देश में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड बिस्मिल्ला खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू टू. और क्या हुआ उसके बाद, इतना फेमस होने के बाद भी, यानी इतना सक्सेस मिलने के बाद भी, बिस्मिल्ला खान जी का जो मूवी में म्यूज़िक देने या फिल्मों में म्यूज़िक देने का काम सिर्फ दो ही मूवी में हुआ. कौन से में है, एक तो विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपना. एक तो गूंज उठी शहनाई और कन्नड़ा मूवी थी, एक सनाधि अपना, सिर्फ इन दोनों में ही, इन दोनों मूवीज़ के अंदर ही उन्होंने गाने दिए. यहाँ तक कि उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिला था पहले, मगर सिर्फ इन दोनों में दिए, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया. ऐसा क्यों हुआ, आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद दी आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमरस ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद एम्फेसिस. वो कहते हैं कि जो ये फिल्म वर्ल्ड, यानी बॉलीवुड हो या कोई से भी जो फिल्म वर्ल्ड है, इसमें जो ये सब कुछ क्या है, आर्टिफिशियल है, सब कुछ बनावटी है, और इस बनावटी के साथ वो क्या करते थे, वो नहीं रह सकते थे. इसलिए उन्होंने फिर उसके बाद कभी भी फिल्म के अंदर अपने गानों को नहीं दिया, अपने गाने या अपने म्यूजिक को नहीं दिया. Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Kansas Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque. मोस्के उस्ताद बिस्मिल्ला खान. उसके बाद क्या हुआ, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. उसके बाद धीरे धीरे करके अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस जो हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगे. बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और बिस्मिल्ला खान पहले ऐसे इंडियन बने जिनको प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में, जो कि अमेरिका में, वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया. पहले वो इंडियन ऐसे इंडियन पहले इंडियन फिर उसके बाद क्या हुआ, ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैंसस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर.
और इन जगहों पे भी जैसे वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में जो हुआ, कांसेस आर्ट फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे, ओसाका ट्रेड फेयर वहाँ पे, इन सब जगहों पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी को क्या है बुलाया जाने लगा, वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए वहाँ बुलाया जाने लगा। सो वेल नोन ही डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मोस्क के उस्ताद बिस्मिल्ला खान। या वो इतने फेमस हो गए थे बाहर फॉरेन कंट्री में, इंटरनेशनली इतने फेमस हो गए थे कि उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम तहरान में, एक ऑडिटोरियम तक उनके नाम पे रख दिया गया, जो कि नाम आपने देखा तहार मोस्क के उस्ताद बिस्मिल्ला खान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ तक हमने देखा कैसे उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो कि एक कहाँ से बिहार के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट से उठकर यहाँ तक पहुँचने वाले एक एक ऐसे इंसान बने जिन्होंने शहनाई को वर्ल्ड फेमस बनाया। ये उनका हार्डवर्क ही था जो इतने अवार्ड्स और इतने सारे रिकॉग्निशन उनको मिलते हैं, है ना। तो आप भी आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे, हम देखेंगे कि बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। मगर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने गूगल पे या सर्च इंजन्स में जाके या यूट्यूब पे जब भी आपको टाइम मिल रहा है उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में आप टाइप करें, यू कैन सी हिज वीडियोस, यू कैन अंडरस्टैंड हिज लाइफ स्टोरी, उसके बारे में और जान सकते हैं उनके बारे में ना, तो आपको भी पता चलेगा कैसे उन्होंने हार्डवर्क किया और कैसे वो इस लेवल तक वो पहुँचे। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उन्होंने शहनाई को इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने फेमस किया। सिर्फ शहनाई ही नहीं, उन्होंने इंडिया का नाम भी बाहर देशों में बहुत फेमस किया, बहुत ज़्यादा रोशन किया। तो हमें इस चीज़ से ये मानना है, ये सीखना है कि अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो हम भले किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ म्यूज़िक नहीं, हम किसी भी फील्ड में हो हम सक्सेस ज़रूर पा सकते हैं। तो आज के वीडियो हम इतना ही रखेंगे और बाकी हम कल देखेंगे, कल नहीं तो अगले वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, फिर उसके बाद आगे का हम देखेंगे। तो तब तक इसके बारे में पढ़ें, चैप्टर को कंप्लीट करें, चैप्टर को पढ़ें, क्वेश्चन आंसर नहीं किया तो क्वेश्चन आंसर करें और वीडियोस कंप्लीट देखें। वीडियोस आप यूट्यूब पे है, आपको पता है, आपके पास लिंक्स हैं, उनको आप देखें। अगर एक बार समझ में आए तो एक और बार देखें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो तक सेफ रहें, घर पर रहें एंड स्टडी करें, पढ़ाई करें, और टिल देन बाय बाय।